खबर गया से है, जहां मोहनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सागरपुर में बीते दिन सुबह 10 बजे के आसपास तालकेश्वर प्रसाद एवं महेंद्र प्रसाद ने अपने पुराने मकान का मरम्मत कराने परिवार एवं मजदूरों को लेकर गया। तो पहले से घात लगाए वार्ड संख्या 2 के वार्ड सदस्य ने 20 की संख्या में अपराधियों के साथ मिलकर लाठी डंडे लोहे राड बरसाना शुरू कर दिया। उक्त हमला जमीन हड़पने के इरादे से किया गया है। हमले में हमलावरों ने मार मार कर लहूलुहान कर दिया, जिससे कई लोगों को काफी चोटें आई, कई लोगों को हाथ पैर तोड़ दिए तो कुछ लोगों के सिर भी फटे हैं। स्थिति गंभीर होने के कारण सभी घायलों को निजी वाहन से थाना भेजा गया। मोहनपुर थाना ने तत्काल ही इन सभी को घायलों का प्रखंड अस्पताल भिजवाने के बाद इलाज शुरू किया गया। घायलों की स्थिति अधिक नाजुक रहने के कारण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रेफर किया गया। अभी कुछ लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इस स्थिति में भी हमलावरों द्वारा इमरजेंसी वार्ड में धमकी भी दिया जा रहा है। अपराधी तत्व को वार्ड में घुमाते पाया गया, इसकी सूचना पुलिस को दी गई है और जल्द से जल्द सभी नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग की गई, लेकिन पुलिस के द्वारा अभी किसी भी अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। बना हुआ है, हम लोग गए बनाने के लिए तो उन लोग मारपीट किया है, दोबारा पैसा लेके 2 बार के वाला बनाया है, बाप भी लिखा है, बेटा भी लिखा है, उसको पत्नी भी लिखी है। आप नया मकान बना रहे थे? नया, पहले पुराना बना हुआ था तो उठा गया, तो सोचेंगे हम लोग दूसर बना देंगे बरसात में, तो गए वहाँ बनाने के लिए तो बालू उलू नहीं गिराने दिया। हम लोग गए कि खूटा उटा कबाड़ के बिक देंगे, खूटा कड़त हुआ था और नाद उद रख दिया था जानवर बांधेला, तब सोचे कि फेंक देंगे। और हम लोग गए, हम लोग जाइए रहे हैं और हस्बैंड लोग देवर लोग ससुर जी गए से सबको मार के रट से गिरा दिया। कौन लोग मार रहा? अब होली ज़्यादा मारा है, उसको पत्नी मारी है और वहाँ के ज़्यादा लोग सब मिल के बाले बच्चे सब मारा है। हम गए हमको लाठी से अति लाठी गड़ासा से मार कर हाथ और पैर में चोट लगा, हाथ में चोट लगा, हाथ तोड़ दिया और तोड़ कर हम लोग थाना पहुँचे, तो वो फिर थाना पहुँच करके पहले से पहुँच करके हम लोग को देखने के लिए वहाँ पहुँचा। क्या क्या नाम है उनका? भोली प्रसाद, जहल यादव और 2-3 और थे, बहुत बाहरी आदमी ले आया था। क्यों मारपीट किया गया? क्योंकि हमको जमीन पर विवाद हुआ था, इसलिए विवाद था पहले से, वो विवाद करने के लिए अथी किया था। क्या विवाद? किसके द्वारा, किसके साथ था? उसी के साथ? नहीं, धनु प्रसाद के साथ विवाद था। सब कुछ है और उसको पर हम लोग मकान भी उठल है, उसको पर हम जोते गए अथी उठावे गए तो उस पर फिर हम लोग गए थे, ओने से वो बड़ी सलाह आदमी रख ले था 10-12 को अथी सनीचर के 11-12 बजे। उसको कहना है कि उसको कहना है कि हमको दुआरी पर है तो हमारा है और जबरदस्ती करता है। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा, संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।